और यहाँ से हमने फर्श वगैरह ना सारा कुछ हमने धो लिया था इधर से। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। तो चली गई है लाइट, आ गए सारे बाहर, आ गए बैठ गए, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, ये शुक्र है कि हवा चल रही है। और दब्बा जी रजिया नहा लेती हैं आप भी? गर्मी ज्यादा है, मैंने कहा जा रहा है, अब नहीं है मेरे पास, घर जा रही हूँ। इतनी गर्मी में नहीं, ठंडा होने दो थोड़ा। बहुत है भाई जान पैदल जाने का, पैदल घर का सफर जो है ना, राम अड्डे पे उतर के आगे सफर बहुत है। तो तुम यहाँ से फैजल कलाद मिल से नहीं जाते? आगे जाना पड़ता। फैजल कलाद मिल साइड से तुम्हें नज़दीक नहीं पड़ता? नहीं। और वो बहुत दूर है हमारे घर से। अच्छा, जो वो खानेवाल रोड का मेन रोड जो है। हाँ जी हाँ जी, वहाँ से जाके वहाँ उतरो ना, खानेवाल जो मेन रोड जा रहा है। हाँ। वहाँ से रख के हमारे घर के 250 किलोमीटर बनता है। कितना? 250 किलोमीटर। 250 बलोच जाना पड़ता है। 250 किलोमीटर। हाँ जी, पैदल का सवारी नहीं मिलती बंदी यहाँ से। जंग महंगाई नहीं पाएंगे ना, परेशान हो गया। 250 किलोमीटर तो मैं सुन के परेशान। कितने सफर पे जा रहे हैं? आओ तो कभी बैठो तो जरा, हम कैसे जिए तेरी खातिर। बात पता क्या रजिया बाजी, इतनी दूर बड़ी हाँ, वो किस दिन को स्पेशली टाइम निकाल लेंगे। क्यों जी, चला भी आ रही है ना, लग जाएगा पता। मुश्किल है ईद पे भी आना। ईद पे आना मुश्किल है? ईद के बाद और सर ना, दो दिन बाद, तीन दिन बाद। ईद के तीनों दिन आना मुश्किल है? तीनों दिन आना मुश्किल है। मैं नहीं हूँ, कब जाना? क्योंकि ईद के तीसरे दिन मैंने कोटे जाना, और तीन दिन हमारे खुद की सारे घरों की कुर्बानी है। दो दिन तो हमारे सारे घरों की कुर्बानी है। दो दिन में हमने निबड़ा कर देना अपने को। चलो जी, चक्कर नहीं लगाएंगे। ऐसा हो सकता है कि हम ना रहे आपके साथ, तो बड़े लोगों की साल हो गए जाते वापस। नहीं, पूरा साल हो गया मुझे गई हुई हूँ यहाँ से, आपने कौन सा चक्कर लगाया मुझे? 1.5 साल हो गया। भाई को कॉल करूँ? भाई भी कॉल बहुत मुश्किल। बात पता क्या है कि इतनी गर्मी में निकले, फिर आगे जहाँ आप बैठी है ना देहात में, तो वहाँ पे आना मुश्किल है। वही तो कह रही हूँ ना। पता क्या तुम आप बाजी, आपको तो पता ही है कि मेरे काम की नौयत कैसी है। कमाना है तो बाजी रजिया खाना, ठीक है? तो जाहिर है सुबह निकलते हैं, रात को वापस आते हैं। यही दुआ करते हैं अल्लाह खैरियत से वापस लेके आना। कोई नहीं, बाजी रजिया का जरा उलामा शलाम है ना, ऐसे ला दूंगी जब नेड़े आने के, फिर ला देंगे। हाँ, नेड़े आ जाएगा ना साढ़े, ठीक है? हाँ जी हाँ जी हाँ। लेकिन ये क्या बच्चे जी, अब आपका घर हम किसी को दिखाएंगे नहीं, घर दिखाना भी नहीं है किसी को। हाँ, हम नहीं दिखाएंगे। ने ना हमारे एक जानने वाले हैं, तो उनको अपना घर दिखाया, तो वो हमसे ना बच्चे जी घर आती रात पहुँच गए। हम मानो मोहम्मद की दवाई लेने के लिए वहाँ पहुँचे डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर उन्होंने क्या काम किया कि हमें वहाँ पे उतार के, तो कहने लगे आप दवाई ले लो, हम यहाँ से ज़्यादा ना जूस पी के आएंगे। ठीक है, हमें उसमें लग गया। वो सीधा बाजी रजिया का आके दरवाज़ा बजाया। बाजी रजिया कहने लगी मैं तो अपने घर नहीं पढ़ रही, इसी को निकलो। तो बाजी रजिया ने शुक्र है उनको पढ़ने नहीं दिया। तो बाजी ने कहा नहीं, अगर बबीना साथ होती, खुरम भाई साथ होते, तो फिर तो बात अलग थी। तो बाजी रजिया बड़ा अच्छा किया था। हाँ, तो क्या करते, यही करता था उनके साथ। चल ठीक। हाँ, क्योंकि ना इतनी ऊँचा मेरा हाथ जावे। मेहरबानी सर आपकी, आपने वैसे तरपाल खोल दी, अब मैं यहाँ से आराम से सुकून से पानी का छिड़काव कर लूँगी। वैसे भी बकरी फिर आए मिलके वो तैयब को बबलू को साथ लगाते हैं, बांध खोले। आज खोल लेंगे रात में ना बांध। मैंने तो कहा था बाजी रजिया को शाम हो जाए फिर चले जाएंगे। अंदर नहीं खुलेगा बांध, गली में खुलेगा। गली में खुलेगा। अच्छा, इसका मतलब हमें गली का ठेका लेना पड़ेगा। हाँ जी, लेना पड़ेगा। तो बहन भाई अब गली का ठेका भी लेते हैं। ये आ गया हुआ है, ये देखो इधर, ये देखो जी, ये देखो। मेरे साथ लेके जाओ।
चले ठीक हो गया अब्बा जी, दसिया को वहाँ पे अड्डे तक छोड़ा काम। मदनी चौक, मदनी चौक छोड़ना वहाँ से चलेगी बाजी ने। गर्मी अल्लाह मेरी तोबा तोबा है। कमीज नहीं है उसके गले में? नहीं नहीं, वो बाइद गली में जाके ना पकड़ा देंगे मेरी रजिया। फिर भी क्या रखा है, बाहर नहीं जाने दे रही इसे ना। नॉन मोहम्मद को निकलने देते हैं, नहीं इसको निकलने देते हैं। और वो बैठे जी तैये वो बबलू, क्या चीज़ है बाजी तो जानना झाड़ू लगती है, पता धुलता हम क्या करें। नहीं वो वाले जन से ना वो सारा कचरा फेंकते, हम क्या करें। झाड़ू डेली लगती है, जब अंदर का फर्श धुलता है ना तो यहाँ से भी धुलता है। लेकिन मैं तंग आ गई हूँ कि मैं कहती हूँ मोहल्ले में लड़ना क्या फ़ायदा है, बेहतर ये है कि बस अपना काम करो, ना किसी को कहो कुछ नहीं ज़रूरत है। अभी देखने उधर से सारे साफ है, ये आगे कचरा यहीं पर इकट्ठा होना है। तो फिर ये चीज़ जब उनको नज़र नहीं आती तो हम क्या करें। हाँ ये है कि इससे एक दिन पहले सारे इसको आग लगा देंगे यहाँ पे। नहीं बचते जी, हम मोहल्ले वालों के साथ कितना के लड़े, वो तो से कचरे इकट्ठा करते हैं तो फेंक देते हैं। तो हम खड़े हुए बाहर गली में, चले जी छोड़ें। अच्छा दोनों वो हैं उसे कह रहे हैं आप भी बैठ जाओ। ठीक है बाजी दजिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चलो भी उठ दो, उठ दो। तो खुद हम गए बाजी दजिया को छोड़ने के लिए, मैंने कहा मैं यहाँ पे ना पानी वगैरह लगा दूँ। लगाने के बाद उसके बाद ये देखिए ना शापर इस पर लटका हुआ है, और पैर ना नूर फातिमा रो रही है मेरे ख्याल उसको ना उसके भाई ने मारा है। इसलिए नूर फातिमा इधर आओ, मेरी बात सुनो, नूर फातिमा इधर आओ। मगर उसकी मम्मा घर नहीं, बेचारी काम करने के लिए गई है, तैयब कर उसका झगड़ा वापस में। तो कितनी बार मुझे कह जाती होती है बाजी मेरे बच्चों का ध्यान रखना, अल्लाह किसी पर ऐसा वक्त ना लाए कि बच्चे बगैर बाप के पल रहे हैं, बाप दुनिया में नहीं रहा ईद से पहले। इसको बुलाओ, सको मेरी मम्मा बुला रही है आपको, अंदर आ जाओ हमारे घर आ जाओ। वो उसको मारता ही रहेगा, देखती हूँ मैं। तैयब आ जाओ, उस बातों में चलाओ तैयब, मारा होगा आपने से ना। फिर तैन को जी नहीं आखा, बल क्यों दो यार। अच्छा ये दोनों लड़ रहे हैं, ये बहुत मारते हैं नूर फातिमा को, मारते हैं ये नूर फातिमा, मुझे पता है। आ जा नूर फातिमा, आप इधर आ जा मेरे पास आ जा। अच्छा अच्छा सब्र कर, मैं बताती हूँ। खैर जो नूर फातिमा का मेरे पास भेज एक मिनट, मैंने कहा यहाँ पे छिड़काव हो जाएगा ना पानी का, तो चले सुकून हो जाएगा यहाँ पे, चल पाइए बिछाऊ के आ नहीं। ये नूर फातिमा भी अच्छा दीदी है ना, वो कह रही मैंने भी नहीं आना, वो मांग खाती रहेगी वहाँ पे खड़ी रहेगी। खुद हम गए बाजी दजिया को छोड़ने के लिए, और यहाँ से हमने फर्श वगैरह ना सारा कुछ हमने धो लिया था इधर से कैशा ने और मैंने मिलके, और मौसम आप देख रहे होंगे कि बहुत ही प्यार हो गया, वो बड़ा ज़बरदस्त था। हम बैठे इस वक्त सहन में और धूप भी उसी टाइम चली गई थी। मैंने कहा मैं बाजी दजिया से कह रही थी बाजी रुक जाओ कि जब ना धूप चली जाएगी आप तब जाना। चलें ये भी बेहतर हो गया कि इन्होंने छाँव कर दी, और अभी बकरी के पास से सफाई करनी बाकी है, वहाँ से ज़मीन पे बैठ के मुझसे ज़्यादा नहीं होता। हाँ ऐसा ऐसा करके ना वहाँ से बकरी के पास से भी सारा कर लूँगी, बाकी तो यहाँ से धुल धुल आ गया बस सारा। और बाकी अल्लाह बेहतर करे, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बारिश आएगी। चले कोई नहीं, अगर बारिश आ भी जाए मौसम तो बेहतर होगा, क्योंकि इतनी गर्मी है, गर्मी से बुरा हाल, बच्चों का बुरा हाल, बड़ों का बुरा हाल, बड़ों से गर्मी नहीं बर्दाश्त होगी तो बच्चों का हाल क्या होगा। आप सच्चा एजेंसी है ना, छोटू के लेके यहाँ पे खड़ी है, इसने तंग किया है, कहते मुझे बाई लेके तो ये खीर तो गया ना। हाँ एक किलो, आज मेहमान आए ना फिर वो चाय बनती रहेगी है ना। बजी तसीब भी आए थे अपने नसीब का लेकर आते हैं, तो देख ले बादल और माशाल्लाह बड़ा प्यारा प्यारा मौसम। नींद आई है इसे? अच्छा 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 मेरा शहजादा, जिस दिन से छुट्टी हुई है फिर के ठीक है, खेल खेल के इसका उड़िया चेक करें। अब तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि इसे मैं ना उसमें अंदर लिटा देती तो दरवाज़ा बंद करके, कि मैं कितने दिन में दरवाज़ा ही नहीं खोलना। बादल जैसे आपको बताएं कि काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ओन मोहम्मद मेरी बात तो सुनो। अच्छा मेरा पानी गिरा दिया आपने, पिया? अच्छा एक बात बताओ, तबीयत ठीक है आपकी? नहीं मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्योंकि कैसा, एक मिनट चुप कर जाओ मेरा बेटा, इधर मुझे दिखाओ, ये आंखों से बहन भाई नहीं लग रहे। अब वो चीज़ बटना शुरू हो गई है भाई।
उसको नया लाया था, दिन में इसके कपड़े चेंज करवाए थे। अब फिर नैया कराऊँ आपकी? पैसे दे दूँ अब? मैं फिर चीज़ खानी है, क्या खाना है? सलांटी। अच्छा ऐसे 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 करते ऐसे, ठीक है जब भी आए ना ऐसे करते होते हैं, ठीक है चलो। अच्छा मुँह बंद कर दो। अंकल आंटी को सलाम अलैकुम नहीं कहना? क्यों नहीं कहना? अब वो कहते हैं उन्होंने पादा पादा बच्चा है, इसके नाखून काटूंगी आज। अच्छा बताओ मुझे, वो कहते हैं उन्होंने बड़ा पादा पादा बच्चा है। पापा आते हैं ना इनके, इन्हें कहती हूँ कि ना इसको ना चेकअप करवा के लाएँ इसका, खास कर क्योंकि इसकी आँखों का हाल चेक करें। एक तो मोबाइल पे कार्टून देखते हैं ये, उधर से बाज नहीं आता। हमारा बचपन तो गुजरा है कि सबकी डांट पीट में, अब का बच्चों का जो बचपन गुजर रहा है वो गुजर रहा है मोबाइलों में। तो ये जो दूध बचता है ना, मैं इसमें पौधों में डाल देती हूँ। दोनों मोहम्मद का फीडर भी दोनों है, दूसरा फीडर भी इसका रखा हुआ है। तो इधर ना ये मैं दूध इसमें ना पानी में ठंडा कर रही हूँ, और इस दूध को मैंने उबाल दे दिया हुआ है। तो खुदा मैं बाजी दर्जिया को छोड़ने के लिए गए थे, उधर से तो अपने काम के लिए भी चले गए हैं। उनको कोई काम था, उनके बॉस ने बुला लिया था, तो वो अपने बॉस के पास इस वक्त कह रहे मैं बस आ रहा हूँ देर तक। और मेरे का ये ना रुमाल जो है ना, इनमें थोड़ा सा सर्फ डाल के ना इनको अच्छी तरह से सर्फ इनको पका लूँ, ताकि जो चिकनाई वगैरह होती है ना वो निकल जाती है। जी छोनू वो तो अब कह रहे मैंने सोना है, मुझे फीडर दे दो। जी बिस्किट खाया अभी? अभी बिस्किट खाया, मुँह पाल देखते अपने का माशा देखे। अभी आपके नाइया भी कराते हैं क्या करें? तो जी ये बाल्टी भी आ गई अचार के लिए। अम्मी का जो अचार चल रहा है। हाँ जी सुबह धो के ना इसको धूप में रख देना, ताकि हाँ इसमें स्मेल ना हो। और क्या आया है? कलौंजी और मुरब्बा आया है। मुझे अम्मी ने मुरब्बा ही भेजा था। मुरब्बा अम्मी ने भेजी जामे शीरी, ये मुरब्बा आम का, ये कलौंजी बनी है जी, ये भी आम की बनती है। और ये मैं बड़े शौक से खाता हूँ कलौंजी ना, मैं बड़े शौक से खाती हूँ। जब ये ना फुजैल होने वाला था ना, मैंने जब जब जाना ना अम्मी की ना ये कलौंजी खत्म करके आती थी चमचियों के साथ। ये क्या है? अम्मी बनाती है बड़ी जबरदस्त है, छह से मुझसे नहीं। रुमाल धो रही हो? ये रुमाल ना मैंने भिगो के रखे थे क्योंकि इनमें भी चिकनाई है। अच्छा। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होंगे ये, फिर मैंने इसमें ना काला तेल और सरफ डाल के ना इसको उबलने के लिए रख दिया। अच्छा सही, तो बस दोनों किसे चलो लोकन यहाँ डाल दो। आपको हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द और सर में बहुत दर्द है, दूध गर्म हो गया, मैंने कहा ठंडा कर लूँ पीस के जम से ना छन्नी डू में। और है ना वो टुकड़े वहाँ पे जिनसे बनाए थे ना दिन में वो रखे हुए गैस के चला गया, मैं तो चाय भी नहीं। चलो कोई नहीं अल्लाह मालिक। अच्छा एक काम कर, आज अचार में ना चम्मच नहीं लगा, चम्मच नहीं चलाया। चलो मैं मारता हूँ आज, आप चम्मच चलाते हैं उसमें क्यों के, और आज तो धूप में भी नहीं रखा मैं। कोई बात नहीं, मैं मान आए हुए थे इसलिए नहीं रखा। काला भी आई थी, बाजी रजिया भी आई थी, उनके अंदर ही लगे रहे, फिर वो रखना भूल गए। मैं भी सोच रही, मैंने कहा जो मैंने धूप में नहीं रखा। चले कोई नहीं, कह रहा कुछ नहीं, चलो कल रख देंगे धूप में, लेकिन अब आप जो इंसान चम्मच तो चला देना। हाँ मैं चला देता हूँ। और कुछ? बस यही है, और जाके बेकरी से ले केक और नींबू, ठीक है ये ले आया जाके क्या सामान जो इंसान रखवाए, अब रखवाए या सुबह रखवाए? अभी रखवा देंगे, ताकि सुबह किस टाइम बच्चे पहुँचेंगे? रात को कहाँ पहुँचेगी गाड़ी, खैर है सुबह पहुँचेगी गाड़ी। सुबह? हाँ रात 1 बजे निकलेगी तो सुबह 5-6 बजे पहुँचेगी। चला देख लेंगे ना, बस रात बची है सोएंगे। नहीं नहीं इंतज़ार में, ऐसे नहीं सुबह रखवा देंगे, फिर रात में ले लेंगे। हाँ ऐसा करो, सुबह रखवा देंगे, दिन में रखवाएं ताकि दिन दिन में जाके बच। दिन में पिंडी के टाइम जाते नहीं, रात में जाते हैं, असल में मसला ये है। करना दो रोटी ले ना, मैं तो कलौंजी के साथ खाऊंगा। अच्छा बीपी मेरा हाई हुआ हुआ और
मुझे बीपी की भी टैबलेट दे दी। अच्छा, ताकि मैं उन लोगों को, मुझे सुकून आए, नहाऊँ नहाकर बच्चों को मैंने नहला दिया था। हाँ। छोटे को भी कैप्शन ही नहलाया। आप तो कह रही थी रो रहे हैं बच्चे। बहुत रोए कसम से, बहुत रोए। और मोहम्मद की आंखें देख कितना गुदाल हुआ मैंने बहुत ज़्यादा। क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हालांकि उसको फेबरोल भी दिया। हाँ। उसकी तबीयत नहीं संभल रही ना, छोटे की तबीयत संभल रही है ना उसकी तबीयत संभल रही है, क्योंकि दिन में गर्मी इतनी होती है। आज तो मैंने निकलने भी नहीं दिया इन्हें बाहर, और मोहम्मद तो सोया ही रहा है दिन में। कोई नहीं, क्या करें, समझ से भाई। वैसे दो महीने गर्मी के ना मालनी बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल। चलो कूलर तो हो गया सही, कुछ चलता था लेकिन इसकी खसे में ज़्यादा जंक्शन, वो चेंज करनी है सिर्फ, वो सुबह जंक्शन सेट करना है। चले ठीक है, वो फिर यहाँ रख भी देता हूँ ना तुम्हें। हाँ, अभी दिन में बंदा रख लेता है, चले यहाँ पे लेट जाए, यहाँ रख देता हूँ मैं तुम्हें। सही है, ठीक है। वहाँ रात को पंखा लगा लिया करेंगे, दिन में या कूलर चल जाएगा, क्या ख्याल है? ये ख्याल जो आपका ख्याल है, हमारा तो नहीं ख्याल होता है। आप तो जब होते थे पहले गर्मी, आप तो कूलर पंखा बंद ही नहीं होने देते थे। हाँ जी, याद है ना? बिल्कुल, आज हमने चलाया भी नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, अभी नहीं पंखा, बस आना जाना माशाल्लाह इतना लगा रहता है ना घर में, फिर जनसेना। और एक जहाँ पे इंसान को इखलाक प्यार मिले वहाँ पे ज़रूर अपने बहन भाई मिलने आते हैं, और घबराना भी नहीं चाहिए, देख के मूड भी ऑफ नहीं करना चाहिए। तो जो उनके नसीब का जो रिज्क होता है वो उनके आगे, वो भाई वो खुद अपने साथ लेके आते हैं, साथ लेकर आते हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता कि अब मेहमान को देखें और देखें इंसान मुँह बना लें, ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारी औकात नहीं होती कि हम किसी को एक टाइम का खाना खिला सकते, नहीं। जी जी बिल्कुल, मेरे अल्लाह के साथ अभी तक वो देने वाली है, और मेरा अल्लाह बस ये कहूँगी, ऐ मेरे अल्लाह तुल कायनात पर अपना रहम फरमा, सबके हालात पर रहम फरमा। और अब तो हम भी मैं किराए के मकानों में थक चुके हैं, अल्लाह हमें अपना घर, आमीन आमीन, इंशाल्लाह ज़रूर देगा। बाहर भी कोई आ गया, मैं ज़रा देख लूँ, देख लेते हैं।